हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2021 में मैं और मेरे कुछ दोस्त हम शिमला घूमने गए हुए थे। तो ये जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये सारा शिमला ही है। तो शिमला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है, जो कि एक ऊपर एक हिल स्टेशन पे जिसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बड़े इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की कैपिटल को शिमला में एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि इससे एक चीज़ में तो ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई होगी टूरिज़्म में तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ की डेवलपमेंट हुई होगी, क्योंकि अब कैपिटल वहाँ पे है तो अंडरस्टूड है, लोग वहाँ पे जाएंगे इस तरह से, और इस तरह बाहर से भी लोग वहाँ पे घूमने आते रहते हैं। तो इस वक्त जो आप ये व्यू देख रहे हैं, तो ये हम शिमला से थेयू की तरफ जा रहे थे, तो ये रास्ते का व्यू है। यहाँ पे ज़्यादातर देवदार के दरख्त पाए जाते हैं, तो सर्दियों में यहाँ बर्फ़ भी गिरती है, और थोड़ा नीचे एप्पल गार्डन भी हैं। आम जो लोग हैं वो तो नीचे प्लान्स में रहते हैं, लेकिन ऊपर ज़्यादा एम्प्लॉइज़ और टूरिज़्म से रिलेटेड लोग और साथ में जो घूमने फिरने लोग आते हैं वही रहते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताता रहूँगा हमने जो थोड़ा जो हमने पिकअप किया है अपनी वीडियोज़ में। ये आप देख रहे हैं क्रिस्ट चर्च शिमला, तो ये रिज के मुकाम पे है। रिज बहुत खूबसूरत सा हिल स्टेशन है शिमला का। आप देख पा रहे हैं हमारा नेशनल फ्लैग लहराता ऊपर हवा में, और ऊपर जंगल में हनुमान जी की बहुत बड़ा हनुमान जी का स्टैचू है, और साथ में एक टेंपल भी है, और इस जगह का नाम है जाकू। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी जगहें हैं शिमला के अंदर जो मशहूर हैं। तो ये है शिमला का रिज हिल स्टेशन। तो हमें भूख भी बड़ी लगी हुई थी, आगे पीछे हम देख पा रहे थे, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि होटल शोटल खाने छाने का कोई अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन एक दो जगह पे तो नहीं हो पाए। फिर यहाँ पे जिस वक्त अब हम यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर के जो मेरे साथ नीचे जा रहे हैं अजय और रणबीर, एक्चुअली ये होटल की तलाश में कि कहीं पे कोई खाने छाने का कोई ढाबा छाबा भी है, क्योंकि माल रोड है शिमला का। यहाँ पे जब हम अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद पता चला कि उन्होंने बेचारों ने पहले तो सब कुछ दिया हमको, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पे भैया यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कहीं उसी दिन कोई डेथ हो गई थी, तो उस दिन तो शायद ऐसा लगा कि हमारे किस्मत में खाना नहीं था। तो फिर हमने खीरे शीरे खा के काम चलाया, तो अचानक से हमारे दो साथी हमसे गायब हो जाते हैं। तो फोन तो एक के पास ही था, तो मैं और राजेश भैया फिर माल रोड पर घूमते फिरते रह गए। कुछ वक्त के बाद फिर हमारे जो अपने साथी थे हमें तो मिल गए, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है जब हम बाहर ट्रैवलिंग पे जाएं, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन के लिए पोस्टपेड रूमिंग वाली सिम्स होनी ही चाहिए। तो चलो, ये तो रहा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा शिमला के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप शिमला में आपको कभी वो होता है ना मार्केट जाना और कुछ खरीदना हो, तो आप माल रोड में कम ही फंसेगा यार। ये वहाँ की सबसे महंगी मार्केट है माल रोड, जो शिमला का जो माल रोड है जिस जहाँ पे हम इस वक्त चल रहे हैं। तो यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी आपको, तो भाई जेब तो फिर हल्का हो ही जाता है, अंडरस्टूड है, मार्केट ही महंगी है। दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ फॉरनर्स भी देखे, बाहर से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, और शिमला तो ऐसे भी फेमस है पूरे इंडिया में कहता हूँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड मशहूर है। पहाड़ी के ऊपर एक हिल के ऊपर एक कैपिटल को बसाया गया, तो इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी कहा, इससे उनका जो टूरिज़्म है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी। तो दोस्तों, चलते चलते आखिर हम आगे अपने साथियों को ढूंढते काफ़ी आगे निकल गए, और आगे थोड़ा सा एक कोई वहाँ का बेचारा एक मैं कहूँगा वो एक नेक इंसान मिला, उसने अपना फ़ोन दिया, फिर हमने फ़ोन पे कम्युनिकेट किया। तो अभी तक हमें हमारे दोस्त दो जो हमारे साथी थे वो अभी मिल नहीं पा रहे थे, अजय और रणबीर वो किसी दूसरे ट्रैक पे चला गए थे। तो फिर हम आगे चलते गए तो थोड़ा आगे चल के वो हमें फिर मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा आगे का सफ़र होता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता था कि मैं YouTube पे बड़ा इंटरेस्टेड था पहले से ही काम करना, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि कब शुरू करूँ, मतलब डेट ढूंढते काफ़ी लेट हो गया। लेकिन चलो, मैं थैंक्स करूँगा अपने फ्रेंड्स का, स्पेशली अजय का, उसने भी मेरा फ्रेंड है, बड़ा मोटिवेट किया, तो फिर मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट किया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, आप अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अप्रिशिएट करें मेरे वर्क को, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वीडियोस को वॉच करें आप, और इसके अंदर जो आपको अच्छा लगता है कंटेंट उसको अप्रिशिएट करें, जो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि किस तरह से हम और ज़्यादा अपने काम को अपने काम में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो मैं आगे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे और स्पेशली मेरे चैनल को पसंद करेंगे और वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे, और अगर
हो सके, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग जो आपके है ना प्रॉपर शिमला के या हिमाचल के, तो बड़े हमदर्द और नेक लोग हैं। तो ऐसा अंडरस्टूड ऐसा होगा भी, क्योंकि हिमाचल को तो ऐसे भी देवभूमि माना जाता है। तो ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी, बड़ा कम देखने को मिलता कि आप किसी दूसरी नई जगह पर जाएँ और आपको लोग हमदर्दी से और इस हमदर्दी के साथ आपके साथ पेश आए। तो चलो ये तो था हमारा शिमला का टूर, जो हमने थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की। तो जब वापस हम वहाँ से आ रहे थे तो फिर मैंने दोस्तों कोशिश की है कि दूर से आपको शिमला कैसा दिख रहा होगा। देख रहे हैं आप, हम गाड़ी में से शूट किया हमने ये वीडियो, वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर बादलों में पीछे वो ऊपर हाइट पे ये कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला। थैंक्स दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच किया, होपफुली आप आगे भी अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखेंगे।